हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ पालक और गोभी से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एक रेसिपी। और अभी तो सर्दियों का मौसम भी है और आप इस रेसिपी को एक बार बनाकर ट्राई करके देखिए। इसे आप चावल, पराठा, रोटी किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी फ्रेंड्स, यकीन मानिए। और वीडियो देख कर अगर अच्छे लगे तो मेरे चैनल का सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक गोभी को। तो गोभी को मैंने थोड़े बड़े बड़े साइज़ में कट कर लिया है। तो आप भी इस रेसिपी में गोभी को थोड़ा सा बड़े बड़े साइज़ में कट कर लीजिएगा। और गोभी को मैंने अच्छी तरीके से पानी से एक बार धो भी लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक पैन पर पानी डाल दिया है और उस पानी में डाल देंगे हमारी गोभी को। और गोभी को बस एक मिनट के लिए हम बॉयल करेंगे, ज़्यादा नहीं। इससे क्या होगा, गोभी के अंदर जितनी भी कीड़े हैं वो मर जाएंगे और गोभी जो है वो हमारी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी। तो एक मिनट होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं गोभी में एक अच्छा खासा उबाल आ चुकी है। तो अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और सारे गोभी को हम पानी से निकाल लेंगे और इसको एक बाउल में डाल देंगे। तो दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर पालक लिया है, लगभग 100 ग्राम की पालक है। तो पालक को मैंने अच्छी तरीके से पानी से धोकर साफ़ कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, सारे पालक को एक मिक्सर ग्राइंडर जार पर डाल देंगे और डाल देंगे लगभग 8-9 लहसुन की कली और डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि पीसने में ये आसानी हो। अब हम पालक को बिल्कुल स्मूथ सा एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पालक को मैंने पीसकर बिल्कुल स्मूथ सा एक पेस्ट बना लिया है। तो आप इसको एक साइड में रख देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो यहाँ पर पैन पर डाल देंगे एक चम्मच ऑयल। फिर जब ऑयल गर्म हो जाए तब इस पर डाल देंगे हमारी गोभी को। और अब हम गोभी को 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि गोभी जो है वो उसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोभी के ऊपर हल्का सा एक कलर आ गई है और यहाँ पर हमारी जो गोभी है वो फ्राई हो चुकी है। तो अब हम गोभी को निकाल लेंगे एक बाउल में। तो यहाँ पर सेम पैन में डाल देंगे एक और बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल और फिर जब ऑयल गर्म हो जाए तब इस पर डालेंगे एक चम्मच साबुत जीरा और डालेंगे एक टुकड़ा बारीक कटा हुआ अदरक और 2-3 हरी मिर्च जिसको मैंने बीच में कट कर लिया है। तो अब हम इन सबको एक मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे ताकि अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो एक मिनट के लिए इन सबको भूनने के बाद आप इस पर ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ 2 मीडियम साइज़ का प्याज और प्याज को भी हम 1-2 मिनट के लिए हल्का सा भून लेंगे ताकि प्याज का भी कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का जो कलर है वो भी चेंज हो चुकी है। तो आप इस पर डाल देंगे हमारी पालक की पेस्ट को और फिर अच्छी तरीके से पालक को प्याज और ऑयल पर चला कर मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इस पर मसाला ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 चम्मच मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। तो मसालों को अच्छी तरीके से पालक में मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम मीडियम फ्लेम में पैन को कवर कर देंगे और इसे लगभग 3-4 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच बीच में आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। तो 3-4 मिनट होने के बाद ढक्कन हटा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पालक के ऊपर जो ऑयल है वो आ चुकी है और पालक का जो कलर है वो भी चेंज हो गई है। और फिर इस पर डाल देंगे एक टमाटो प्योरी। तो यहाँ पर अगर आप टमाटो प्योरी डालना नहीं चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो टमाटो प्योरी को भी अच्छी तरीके से पालक में मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। उसके बाद हम इसको फिर से 1 मिनट के लिए थोड़ा सा पका लेंगे ताकि जो टमाटर है वो पक जाए और इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो 1 मिनट के लिए टमाटर को पकाने के बाद आप इस पर ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच दूध की मलाई। यहाँ पर आप क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और फिर अच्छी तरीके से क्रीम को पालक में मिक्स कर लेंगे। तो मलाई को अच्छी तरीके से पालक में मिक्स करने के बाद आप इस पर ऐड करेंगे हमारी फ्राई किया हुआ गोभी को। तो गोभी डालने के बाद अब हम गोभी को अच्छी तरीके से पालक में मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। उसके बाद हम इस पर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी
और पानी डालने के बाद फिर से पानी को एक बार ग्रेवी में मिक्स कर लेंगे। उसके बाद पैन को कवर कर देंगे और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक जो हमारी गोभी है वो पक ना जाए। और इसे आप बिल्कुल मीडियम फ्लेम में पकाइएगा और बीच बीच में आप चाहे तो एक बार चेक भी कर सकते हैं। तो लगभग 9-10 मिनट होने के बाद यहाँ पर हमारी पालक और गोभी की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप एक बार सर्दियों के मौसम पर बनाकर एक बार ट्राई करके देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आएगा खाने में। तो वीडियो देखकर अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।